अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू की ब्लॉग्स। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को आप लोग, बहुत टाइम हो गया। तो जी जनाब, मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। और वही बात मैं दोबारा सुनूंगी, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ही आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। आज जी मैं सुबह से उठी हुई थी, करके काम वाम किए। आज मैं सुस्त भी थी, आज मैं बड़ा सोई। आज मैं उठी और फिर सो गई, सो के मैं 12 बजे उठी। सुबह मैंने आराम आराम से काम किए, अब मैं फ़्रेश हुई, तैयार हुई। तैयार नहीं मतलब मैं फ़्रेश होकर अपने बाल बाल बनाए, वरना तो उधड़ा चमन बन के हम घूम रहे होते हैं, ऐसे ही होता है। सो आज जी मैं क्या कर रही हूँ ये तो मुझे नहीं पता कि आज मैं क्या कर रही हूँ। दिन आप क्या सोच के शुरू करते हैं और कहाँ पे हो जाता है ख़त्म, ये नहीं पता होता। और पता नहीं ज़िंदगी क्या है, पता नहीं, अल्लाह को पता है भाई। वक्त का एक पल का भी अब भरोसा नहीं है, जो हालात हैं। खैर जी, आज भी बड़ी शदीद गर्मी है और मैंने सुना लाहौर बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही है। तो कराची बड़ी शदीद गर्मी है, लेकिन आज कराची एक चीज़ ये हुई कि बादल आ रहा है, धूप है, तपिश है, गर्मी है, लेकिन एकदम से छाँव हो जाती है, एकदम से धूप तेज़ आ जाती है, एकदम से छाँव हो जाती है, एकदम से धूप तेज़ आ जाती है। बादलों की और सूरज की ना लड़ाई चल रही है। बादल कह रहा है हट जाओ, तो सूरज कह रहा है तुम हट जाओ, कोई नहीं हट रहा, आगे पीछे ऐसे लग रहा है। क्या पहले ना मेरे काम होते थे कि ना मैं पार्सल्स मंगवाती रहती थी, मेरे आते रहते थे। अब ये काम ना मेरे मोहित साहब ने पकड़ लिए, ये अब उनका दूसरा पार्सल आया और जो पे भी नहीं था मुझे पे करना पड़ा। देखें अब इसमें क्या, पता नहीं क्या क्या मंगवाता रहता है ये। पता नहीं क्या मंगवाया इसने तराज से। वो आदमी भी कह रहा पता नहीं, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। मैंने कहा इसके क्या आया इसमें, कह रहा नहीं मुझे नहीं पता। चलें अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसमें है क्या। कहेगा ऐसे ही मेरे बगैर ही खोल लिया। खैर मैंने इसको कट कर लिया। लेट्स चेक जी इसमें क्या है, क्या मंगवाया है अब्दुल मोइस ने, क्या मंगवाया इसने। अरे लो, ये अपनी पबजी खेलने के लिए क्या क्या मंगवाता रहता है यार। सीरियसली मतलब अब्दुल मोइस कसम से यार हद है। पता नहीं फिंगर से पहनने वाली कोई चीज़ है और ये कोई बैंड है इसमें, ये लड़का ना कसम से लो। क्या फजूल चीज़ें मोहित मंगवाता है कसम से, पता भी नहीं। रात वगैरह ये मंगवा लें वॉल के लिए, वो मंगवा लें। मैंने कहा यार पहले पेंट करवाएंगे फिर हम कुछ मंगवा लेंगे घर के लिए। एक्चुअली उसको उसमें ये चीज़ अच्छी है जो होनी चाहिए, लड़कों में नहीं होती, कि उसको घर डेकोरेट पसंद है, घर नीट एंड क्लीन पसंद है, घर एक वेल मैनेज घर पसंद है। तो अल्लाह करे आगे उसको वाइफ भी बड़ी अच्छी मिले। मेरी तो यही दुआ है कि जो उसके घर को बड़ा वेल मैनेज रखे। तो जी जनाब, ये जो मोइज ने मंगवाया है ना, ये देखें, ये मैं बी एम एन से बनवाती हूँ। ये जो इसने मंगवाया है ना, ये वो है, मैं कह रही थी शायद बी एफ ने पबजी वबजी के लिए कुछ मंगवाया होगा, लेकिन ये पबजी के लिए नहीं है, ये वो है एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि आजकल मोटे को ना पतले होने की पड़ी हुई है मेरे मोटे को। मोइज इसका डिटॉक्स वाटर भी बना होता है, ये इसका डिटॉक्स वाटर भी बना पड़ा होता है हर वक्त नवाब साहब। इसका यूज़ कैसे है वो मैं देखती हूँ। ये मेरे हाथ में बांधो, ये बांधना मेरे हाथ में, हम भी ट्राई करें ना कैसी चीज़ है। अब इधर उंगली, अब ये उंगलियों में डाल रहे हैं तो पता है ये। हाँ शायद है, नहीं नहीं ये नीचे आना, ये नीचे आना, नीचे ये मतलब ये चीज़ ना, ये वाली चीज़ नीचे आनी है, न्यू करना है। हाँ नीचे नीचे इस साइड पे आना है ये। हाँ इसको घुमा दो घुमा दो, मेरे हाथ में वैसे ही लूज है। अब लगानी है, अब ये लगानी है जी, इसमें घुसानी है फिंगर्स। ये बहुत मुश्किल है इसमें फिंगर्स घुसाना, लेकिन ये है जी इसलिए, यानी मेरा तो हाथ ही सीधा नहीं हो रहा। ओए इतना हार्ड ये रबड़ है,
इसको ऐसे खोलना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे इससे हाथों की एक्सरसाइज होगी। इसने इसलिए मंगवाया, मैं समझी पबजी के लिए मंगवाया इसने। पबजी के लिए तो बड़ा हार्ड है, मर्द ही कर सकते हैं, औरतें नहीं। मेरे तो इतने सूखे सड़े हाथ हैं, मैं कहाँ से करूँगी। खोल दो हेमन, बहुत ही हार्ड है ये तो। मोटू इसको मोई करेगा। चलो जी, मोइस की आजकल अपने फोकस है पतले होने पे, स्मार्ट होने पे। मोइस कैसा है बिफोर, इसका आप लोगों ने देखा हुआ मेरी वीडियोस में, फिर इसका कुछ अरसे बाद हम आफ्टर भी देखेंगे। और जितनी ये स्ट्रगल और मेहनत कर रहा है ना, वाकई ये हो जाएगा, क्योंकि ये डेली जा रहा है नेशनल पार्क वॉक के लिए, और ये डेली वो डिटॉक्स वाटर पी रहा है। इसने आज मेरे मुझे फ्राइज नहीं ला के दी इसने आज मुझे, कमीने ने कह रहा है आप फ्राइज नहीं खाओगी, क्योंकि जी आप अगर आप फ्राइज खाओगे तो मेरा भी दिल करेगा, तो फ्राइज घर में आएंगे नहीं। जो चीज़ बोलो नहीं, इससे तो मोटे होते हैं, घर में आएंगे नहीं। मोटू को ना आजकल पतला होने का जोश चढ़ा हुआ, जोश जिम भी ज्वाइन करना है। मैंने कहा जी आज फिर मैं डर गई, मैंने कहा इसका फिर पार्सल आ गया, और कितने का, 420 420 रुपये का पार्सल आया। मैंने कहा इसने फिर कुछ मंगवा लिया, कल भी इसने इतने महंगे शूज़ मंगवाए, आज फिर कुछ मंगवा लिया, यही करता रहता है, यही चलता रहता है। खैर आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कल मुलाकात करूँगी नेक्स्ट अनदर व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड विद रुकी व्लॉग्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा।